हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो ये ब्लॉग है, ये है दिवाली सेलिब्रेशन का ब्लॉग। जब तक ये ब्लॉग आप लोग देख रहे होंगे, तब तक आप लोगों ने दिवाली सेलिब्रेट कर चुकी होगी। तो कैसा रहा आप लोगों का दिवाली सेलिब्रेशन, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये है धनतेरस के दिन की वीडियो, जब हम घर से पूजा करके निकल के और दिवाली की कुछ शॉपिंग जो हमारी बची हुई थी वो करने आए थे। तो पूरा मार्केट जगमगा रहा था सुंदर सुंदर दियों से, बहुत सारी कैंडल्स, लाइट, और ये आप देख सकते हैं इस तरह के बहुत सारे कंदल मार्केट में थे। एक से एक सुंदर सुंदर चीज़ें हैं मार्केट में दिवाली के टाइम। आई एम श्योर आप लोगों ने भी खरीदी होगी, अपने घरों में लगाई होगी। तो बस हम वही देखने आए हैं यहाँ पर, और हमने वहाँ से कुछ दिवाली के लिए शॉपिंग की और फिर मैं पूजा की सामान लेने के लिए आ गई। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ दिया मिल रहा है और यहाँ पर भगवान के सारे जो कपड़े होते हैं और जितनी भी पूजा से रिलेटेड सामान है वो सारी चीज़ें फिर मैं लेने के लिए आ गई। दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें सब लोग चाहते हैं कि भगवान की जो पूजा है लक्ष्मी गणेश की वो काफ़ी अच्छे से करे, तो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। बस मैं भी उसी उम्मीद से आ गई थी कि कुछ अच्छे से सारी पूजा की जो चीज़ें हैं ले लूं, और बस वही शॉपिंग हमारी हो गई और उसके बाद हम वापस निकल पड़े वहाँ से। और ये देख सकते हैं आगे अथर्व अपने पापा के साथ जा रहा है, और वो पूजा की शॉपिंग करते करते बहुत ही ज़्यादा थक चुका था क्योंकि उसको लाइटिंग देखनी थी, पटाखे खरीदने थे। और यहाँ बॉम्बे में तो काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेशन हुई दिवाली, और हर साल बहुत अच्छा लगता है बॉम्बे में जब दिवाली आती है तो चारों तरफ लाइट काफ़ी सुंदर सुंदर होती है। आई एम श्योर आपके शहर में जहाँ पर आप रहते हैं, जिस सिटी में, वहाँ भी अच्छे से हुई होगी। मुझे बताना कैसी हुई आपकी दिवाली। Hi everyone, welcome back to my channel. Happy Dhanteras to all of you. तो आज है धनतेरस और आज हम निकले धनतेरस की शॉपिंग पर, और ये है मेरा लुक, और मैंने शॉपिंग कर ली है ढेर सारी। तो आपको मैं बताती हूँ धनतेरस में आप लोग कैसे मनाया, अपना बताना मुझे। फिर हम चलेंगे थोड़ी लाइटिंग देखने के लिए। तो हमारे घर के पास ही काफ़ी सुंदर सी लाइटिंग हुई थी, बस हम वो देखने के लिए निकल पड़े और इतना अच्छा था। आप लोग भी इंजॉय कीजिए और देखिए। लाइटिंग के साथ साथ बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ थी, तो अथर काफ़ी एक्साइटेड हो रहा था। वहाँ बोटिंग थी बच्चों के लिए, तो वो उसे ट्राई करना चाह रहा था और बहुत एक्साइटेड था। तो बच्चों के लिए एक कह सकते हैं कि एक मेला जैसा लगा हुआ था, जहाँ पे चारों तरफ लाइटिंग थी, गेम्स थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद अथर ने सब ट्राई किया। फिर हम लोगों ने अतर को पिज़्ज़ा खिलाया, उसको पिज़्ज़ा खाना था, काफ़ी टाइम से वो ज़िद कर रहा था पिज़्ज़ा खाने की। फिर हम आगे वापस घर आके हमने दियो को वॉश किया और दियो को वॉश करके रख दिया ताकि नेक्स्ट डे का काम हल्का किया। और यहाँ देखिए अतर मेरी हेल्प कर रहा था सारे दियो को वॉश करके रखने के लिए, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो मम्मा की हेल्प करे। तो बहुत ही अच्छे से वो लाइन वाइज लाइन सारे दियो को वॉश करके अच्छे से रख रहा था।
तो अपने बच्चों को आप इस तरह की छोटी मोटी कामों में इन्वॉल्व करें फेस्टिवल में, ताकि उनको पता चले कि ये फेस्टिवल किस चीज़ के लिए है, क्या क्या हम करते हैं जो हमने अपने बचपन में किया है, उनसे भी थोड़ा बहुत हेल्प लेके आप करेंगे तो आपके बच्चे भी अच्छे से इन्वॉल्व होंगे। क्या बना रहे हो बेटा? क्या क्या बना क्या रहे हो? रंगोली। क्या बना रहे हो रंगोली में? डिज़ाइन। तो यह दिवाली के दिन की मॉर्निंग, जब अथर्व सुबह सुबह उठ के ही उसको था कि आज रंगोली बनानी है, आज दिवाली का फेस्टिवल है, तो सुबह से ही वो रंगोली बनाने में लग चुका था। आप देख रहे हैं कि जैसा उसको आ रहा है डिज़ाइन वैसे ही वो बना रहा है। तो कितना अच्छा लगता है जब आपके बच्चे भी आपके साथ मिलकर इस तरह से हेल्प करते हैं, आपकी रंगोली बनाते हैं। तो ये देखिए, शाम हो चुकी थी और बहुत सुंदर सा रंगोली हमारे सोसाइटी में बना हुआ था। तो दिवाली फेस्टिवल ही ऐसा है जहाँ आपको हर जगह डिफरेंट डिफरेंट तरह की रंगोलियाँ, मिठाई और ये सारी चीज़ें दिखती हैं। तो दिवाली का सेलिब्रेशन हमने इस तरह से ही किया, मिठाई, चकली और लड्डू। और ये शाम का वीडियो है जब अथर्व पूजा कर रहा था हमारे साथ में, हमारी पूजा हो गई थी। और पूजा के बाद दिखाती हूँ मैं मैंने डेकोरेशन कैसे किया था। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो आज है दिवाली और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आपको ये फेस्टिवल बहुत अच्छा जा रहा होगा। यहाँ बहुत पटाखे छूट रहे हैं इसलिए आवाज़ नहीं आ पाएगी। सो मैं आपको दिखाती हूँ दिवाली में क्या क्या। तो ये है मेरी सोसाइटी का वीडियो। सब लोग अपने अपने घरों में पूजा करके लक्ष्मी माँ की, दिया लगा के और सब नीचे आ चुके हैं पटाखे जलाने के लिए। तो बच्चे क्या बड़े भी सब पटाखे जलाने में यहाँ बिजी थे। तो तरह तरह के पटाखे यहाँ पे लोग जला रहे हैं। आप लोगों का कौन सा फेवरेट पटाखा है मुझे बताइएगा और आप इंजॉय कीजिए इस वीडियो को। पटाखे वगैरह चलाने के बाद हम एक बार फिर से लाइटिंग देखने के लिए निकल पड़े थे, क्योंकि इतनी सुंदर लाइटिंग होती है ना मुंबई में। आप हर जगह देखोगे ना इतनी सुंदर सुंदर लाइटिंग्स होती है, तो बस वही देखने के लिए हम निकल पड़े थे। तो उसके बाद घर वापस आके हमने डिनर किया। तो यही था मेरा दिवाली सेलिब्रेशन। आपका दिवाली सेलिब्रेशन कैसा रहा मुझे ज़रूर बताना। नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को हिट जरूर करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।